समाचार पर नजर करिए। पीएम मोदी गुरुवारे मोड़ी सांजे नवा संसद भवनની ઓચિંતી મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા। તેમણે એક કલાકથી વધુ સમય વિતાવીને વિવિધ કામોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું। વડાપ્રધાન મોદીએ સંસદના બંને ગૃહોમાં આવતી સુવિધાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું। પીએમએ બાંધકામ કામદારો સાથે પણ વાતચીત કરી હતી, તો વડાપ્રધાન સાથે લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા પણ હાજર રહ્યા હતા। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर किराड़पुरा विस्तार में मोड़ी रात्र बे जूथों वच्चे अथड़ामणना अहेवाल सामे आव्या हता। अथड़ामण में पत्थरमारो पण थयो हतो अने केटलाक खानगी अने पोलीस वाहनोने आंख चापी देवामां आवी हती। पोलीसे लोकोने विखेरवा बळप्रयोग कर्यो हतो अने स्थिति शांतिपूर्ण बनावी हती। छत्रपति संभाजीनगर में सीपी निखिल गुप्ताए जणाव्युं हतुं के बदमाशो सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवशे। त्यारे आ मामले सांसद इम्तियाज जलीलनी प्रतिक्रिया पण सामे आवी छे। तेमणे कह्युं के नशाखोरोए आतंक मचाव्यो छे अने पोलीस घटनास्थळे मोड़ी पहोंची हती। ये राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, बाहर कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मंदिर के अंदर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए अगर कोई लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं तो बिल्कुल उन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। मैं जाती तौर के ऊपर यहाँ पर राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं बाहर कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके शांति बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। बस इतनी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ। वर्ष 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की दोषमुक्त जाहिर करने अरजी सुप्रीम कोर्टे फगावी छे। बॉम्बे हाईकोर्टे आरोपी ने डिस्चार्ज अरजी फगावी देता तेणे सुप्रीम कोर्ट में अरजी करी हती। 15 वर्ष जूना आ केस में आरोपी श्रीकांत पुरोहित भाजपा सांसद प्रज्ञासिंह ठाकुर सहित कुल 6 आरोपी ट्रायलो सामनो करी रहा छे। हाल में तमाम आरोपी जामीन पर बहार छे। सुप्रीम कोर्टे बॉम्बे हाईकोर्ट आदेश में हस्तक्षेप करने इनकार कर्यो हतो। 29 सप्टेम्बर 2008 ना रोज मालेगांव में थयेला आ ब्लास्ट में कुल 8 लोग जीव गुमाव्या हता अने ज्यारे 100 थी वधु लोग इजाग्रस्त थया हता। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर नो उपयोग करवो सामान्य बाबत छे, त्यारे जमीन माफियाओं ना सपना पर बाबाना बुलडोजर सतत दौड़ता रहे छे। एज क्रम में उत्तर प्रदेश ना इटावा में एक घर पर योगी ना बुलडोजर दौड़या छे अने इटावा प्रशासने संपूर्ण रीते तेने जमीन दोस्त करी दीधुं हतुं। उत्तर प्रदेश अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य चाली रह्युं छे, त्यारे मंदिर माटे महाराष्ट्र चंद्रपुर जिल्ला ना सैकड़ों कलाकारों पूजा ने प्रदर्शन कर्या पछी उच्च गुणवत्ता सागना लाकड़ा एक जत्था ने अयोध्या माटे रवाना करवामां आव्यो छे। वन और सांस्कृतिक बाबतों और मत्स्य उद्योग राज्यमंत्री सुधीर मुंगटीवारे जणाव्युं हतुं के रामायण में उल्लेखित दंडकारण्य और हाल चंद्रपुर में खूब उच्च गुणवत्ता सागन लाकड़ू मोकलवामां आवी रह्युं छे। मंत्रीए कहुं कि लगभग 1855 घन फूट लाकड़ा आ जत्थो अयोध्या माटे रवाना थयो छे। તેનો ઉપયોગ મંદિરના મુખ્ય દ્વાર, ગર્ભગૃહના દરવાજા અને મંદિરના અન્ય દરવાજાના નિર્માણમાં કરવામાં આવશે। મંત્રીએ વધુમાં જણાવતા કહ્યું કે ભગવાન રામના દાદીમાં ઇન્દુમતી વિદર્ભ પ્રદેશ હાલના મહારાષ્ટ્રના હતા। રામનવમી પર ઉત્તર પ્રદેશ પર્યટન વિભાગ દ્વારા અયોધ્યામાં હેલિકોપ્ટર સેવા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, ત્યારે રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યામાં સતત વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે અયોધ્યાના દર્શન માટે હેલિકોપ્ટર સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે અને હવે અયોધ્યામાં દર્શન કરવા માટે જતા દર્શનાર્થીઓ હેલિકોપ્ટરમાં બેસીને આકાશમાંથી સમગ્ર અયોધ્યાના દર્શન કરી શકશે। उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ पर जो दर्शनार्थी पर्यटक आ रहे हैं उनको अयोध्या धाम के दर्शन कराएं रामनवमी के अवसर पर। इसलिए कि किसी का पहली बार हो रही है, इससे पहले पर्यटन निगम कुंभ में करा चुका है, गोवर्धन में करा चुका है, अयोध्या में प्रयोग प्रथम बार किया है। अयोध्या दर्शन की सेवा शुरू हुई है तो उसमें उसका आनंद लेने आए हैं, तो जो पहला हेलीकॉप्टर उड़ेगा उसमें हम जाएंगे। ये हेरिटेज एविएशन एक कंपनी है देहरादून की, जिसने एकदम लेटेस्ट हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगाया है, उसमें हम जाएंगे, पूरा अयोध्या दर्शन करेंगे, ऊपर से राम मंदिर देखेंगे। योगी सरकार और यहाँ के टूरिज्म विभाग ने काफी अच्छी व्यवस्था